दुनिया के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ वेद माने गए हैं। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। विद धातु से वेद शब्द निष्पन्न हुआ है। विद ज्ञाने अर्थात दुनिया का जितना भी ज्ञान है और उस ज्ञान की जो क्रमबद्धता है जिसे हम विज्ञान मानते हैं, ये दोनों को मिला करके जो एक हमारा शास्त्र निर्मित होता है उसे हम लोग वेद मानते हैं। वेद के जो विभिन्न भाग हैं अर्थात संहिता है, ब्राह्मण है, आरण्यक है और उपनिषद है, ये वैदिक वाङ्मय है। ये वैदिक आलोक में हम इनका अध्ययन करते हैं। जबकि इतिहास पुराण अभ्याम वेदम समुप ब्रह्म, ये हमारे जो इतिहास ग्रंथ हैं अर्थात महाभारत से लेकर और हमारे रामायण तथा 18 पुराण और इसके बाद का अन्य जितना भी साहित्य है, ये सब कुछ मिला करके वेदों की रचना और वेदों के विस्तार को वर्णित करते हैं। वस्तुतः एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि इतिहास ग्रंथों को, हमारे पुराण ग्रंथों को, हमारे रामायण को, हमारे महाभारत जैसे ग्रंथों को, जो संस्कृति का अमर कोश हैं, जो संस्कृति का मूल कोश माने जाते हैं, जो संस्कृति का आकर माने जाते हैं, इन सारे ग्रंथों को, इन सारे साहित्य को तथा कथित लोग समाज को भ्रमित करने की दृष्टि से ये बता रहे हैं कि ये मिथक हैं, पुराणों में कहानियां हैं, महाभारत किसी घटना विशेष का कोई कारण नहीं है, रामायण जैसी कोई बात हुई नहीं है, ये सिर्फ हमारे रचनाकारों की रचनाएं हैं और इस दृष्टि से ही देखना चाहिए। ये इसके लिए हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि हमें जीवन देखने के लिए दो दृष्टि है। पहली बात ये कि जीवन जीवन के लिए है और जीवन कला के लिए है। तो एक दृष्टि जो है कि हम जीवन को जीवन की दृष्टि से देखते हैं और दूसरी चीज जीवन मात्र कला की दृष्टि से देखते हैं, यहीं पर मूलभूत अंतर होता है। तो जो हमारी भारतीय संस्कृति है, भारतीय परंपरा है, हमारा जो भारतीय इतिहास है, इस भारतीय इतिहास को वेदों से लेकर के और आज तक के उस इतिहास को हमें देखना पड़ेगा, तभी हम किसी ऐतिहासिक इतिवृत्त की पूरी एक क्रमबद्धता निर्धारित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जिस समय महाभारत युद्ध हुआ था, हमारे देश के विद्वानों ने, पूरी दुनिया के विद्वानों ने उस समय के इतिहास को आलोड़ित करने की, उस इतिहास के टटोलने की, उस इतिहास को खोजने की कोशिश की। अब उस समय के इतिहास में जो घटनाक्रम दिखाई दिया था कि जैसे उस समय पे एक पक्ष के अंदर दो ग्रहण का होना बड़ी विचित्र घटना थी, खगोलीय घटना थी। इसी तरह से जिस प्रकार का उस समय भौगोलिक इतिवृत्त था, उस दृष्टि से हमारे इतिहासज्ञों ने देखा और फिर उस समय के घटनाक्रम का जब आलोचना की गई, उस घटनाक्रम की जब समीक्षा की गई, उस घटनाक्रम की गहराई में हम लोग गए, तब ये पूरी तरह से निष्कर्ष था, यह सिद्ध हुआ कि जो महाभारत में वर्णित है वो अक्षरशः सिद्ध है। हम ही नहीं, नासा के विद्वान भी कह रहे हैं कि राम सेतु जैसी जो बात इतिहास में बताई गई है वो राम सेतु जैसी बात बिल्कुल सत्य है। जबकि हम लोग उस समय की जो हमारी अभियांत्रिकी थी, उस समय के जो इंजीनियर थे नल नील जैसे, वो कितने कुशल होंगे कि उन्होंने बहते हुए उस समुद्र के उस जल के ऊपर और ऐसा मजबूत सेतु बनाया जिसपे पूरी सेना यहाँ से वहां तक आराम से लगभग 70-71 किलोमीटर तक उस सेतु के माध्यम से वहां पर प्रवेश कर सकी। इसी तरह से कभी आप लोग देखेंगे कि जो मूल रामायण है, वाल्मीकि जी की जो रामायण है, जिस समय माता सीता का अन्वेषण करना था, उस समय जब सुग्रीव ने अपने सारे वानरों को बुलाया और सभी दिशाओं में जो भेजा, उस समय को, उस समय के घटनाक्रम को, उस समय के इतिहास को, उस समय के भूगोल को हम जब देखेंगे तो बहुत आश्चर्य होगा। सुग्रीव ने अपने सारे वानरों को बुला करके पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण
और सभी विदिशाओं में भी जो पूर्व उत्तर आदि के बीच की जो दिशाएं थी उनमें भी उन्होंने भेजा, आठों दिशाओं में व्यक्तियों को भेजा, अपनी सेना के लोगों को भेजा, वानरों को भेजा। और दक्षिण में उन्हें पूर्ण रूप से ऐसा लग रहा था कि इस दिशा में सीता हो सकती हैं, क्योंकि उनके पास कुछ जो थोड़े बहुत प्रमाण आए थे उस प्रमाण के आधार पर तो उन्होंने इस प्रकार के वैज्ञानिकों को, जिसमें हनुमान जी जैसे लोग थे, जिसमें अंगद जी जैसे बलशाली लोग थे, जिसमें जामवंत जैसे बुद्धिजीवी और वैज्ञानिक बुद्धि वाले सेना नायक आदि थे, इन लोगों की सेना को एकत्रित करके उन्होंने भेजा। तो आश्चर्यजनक तो ये है कि उस समय के आज से हजारों वर्ष पूर्व लौकिक संस्कृति का पहला ग्रंथ रामायण, उस रामायण के अंदर जिस तत्व का, जिस दिशा का, जिस विदिशा का और जिन भौगोलिक परिस्थितियों का और जिन परिस्थितियों का, जिस इतिहास का वर्णन वहां पर दिखाई देता है, आश्चर्यजनक रूप से आज भी आप उस पूरी दुनिया के उस भूगोल को देखें, उन्होंने जो सुग्रीव ने वर्णन किया कि पूर्व में यहाँ तक आपको जाना है और उसके बाद का रास्ता आपके लिए नहीं है, वहां पर मानवों का प्रवेश नहीं हो सकता, किसी अन्य जाति का प्रवेश नहीं हो सकता, पश्चिम में यहाँ तक जाना है, उत्तर में यहाँ तक जाना है और दक्षिण में समुद्र के बाद इनमें से कुछ जो बलशाली लोग हैं कुछ ही लोग उस तरफ जाकर के, और एक लंका नाम का द्वीप है वहां पर जाकर के इस प्रकार की मतलब उसके लिए बहुत परिश्रम की और बुद्धिमत्ता और वैज्ञानिक बुद्धि की सूझबूझ की आवश्यकता है, ऐसे ही लोग वहां पर जा सकते हैं। ये आदि आदि जो चीजें वहां पर देखने को मिलती हैं, ये सारी बातें उस रामायण को तो कालजयी बनाती ही है, लेकिन देश के इतिहास, देश के भूगोल, देश की संस्कृति और देश की अस्मिता को भी हमारे सामने रखती है। अब यदि ये सारी चीजों को हटा दिया जाए, थोड़ी देर के लिए आप पौराणिक काल की बातें बंद कर दें, पुराण के संबंध में सारी चर्चाएं समाप्त कर दें, हम तो सिर्फ इतना ही समझ रहे हैं कि विष्णु पुराण है तो विष्णु जी का वर्णन है, अग्नि पुराण है तो अग्नि का वर्णन होगा उसमें, लिंग पुराण है तो लिंग के विषय में, सृष्टि के इस पूरे चिन्ह के विषय में उसमें वर्णन होगा, ऐसे अनेक जो पुराण है उन पुराणों के अंदर हम कथानक को समझ रहे हैं। जबकि उस पुराणों की गंभीरता से अध्ययन की दिशा में जब हम जाते हैं तब हमें वहां पर जो रत्न प्राप्त होते हैं वो वही जान सकता है जिनने उनका विधिवत अध्ययन किया है। तो इसलिए ऐसे लोग जो हमारे इतिहास को मात्र गल्प कहते हैं, मिथक कहते हैं, उनको पहले एक बार उस जगह जाकर के उनका गहन अध्ययन करना चाहिए, तब उन्हें समझ में आएगा कि जो हमारे पौराणिक आदि वाङ्मय हैं वो इतिहास की दृष्टि से, हमारे देश की संस्कृति की संस्थापना की दृष्टि से और पूरे विश्व में दिशा दर्शन की दृष्टि से कितने महत्वपूर्ण है, ये स्वतः सिद्ध हो जाएगा।